नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के सुपौल से आ रही है, जहां सुपौल जिला के वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के शीघ्र निर्माण, वीरपुर को रेलहेड से जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रशिक्षण प्रभारी प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो वीरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर प्रखंड तथा वीरपुर नगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। पदयात्रा ललित नारायण अनुमंडलीय अस्पताल से गोलचौक, वीरपुर बाजार, हटिया, मस्जिद रोड, शालीवासा, चकबंदी चौक होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय तक गई, जहां अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर को मांग पत्र सौंपकर पदयात्रा की समाप्ति की घोषणा की गई। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। सोनिया गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गांधी जैसा हो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जा रहा है, देखिए जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये जनवेदना है, लोगों की पीड़ा है। और ये पीड़ा किस बात को लेकर है कि यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा मिले, कैबिनेट से मंजूरी मिले भी बरसों बीत गया, लेकिन आज तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसलिए अस्पताल जल्द से जल्द चालू हो। यहाँ किसानों के खेत में जो 10-10 फीट बालू पड़ा हुआ है, उसको सरकार तत्काल निकाले। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि महंगाई आसमान छू रही है, 200 रुपए प्याज बिक रहा है, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, आर्थिक मंदी का दौर है और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, जिसमें स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, इन मुद्दों को लेकर और साथ ही वीरपुर की जनता की एक बड़ी मांग रही है रेलवे से जोड़ने की, उसके लिए भी हम लोगों की मांग है कि यहां बॉर्डर रेल का निर्माण हो। जैसे बॉर्डर रोड का निर्माण हुआ, वैसे बॉर्डर रेल का निर्माण हो और वीरपुर को रेल हेड से जोड़ा जाए और यहाँ प्रतापगंज, भीमनगर और बतनाह का जो रोड है, रेलवे का जो नेटवर्क है, उसको भी फिर से चालू किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज पदयात्रा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। जो भी लंबित मांग है जो डॉक्टर रंजीत जी उठाए हैं, वो सब जायज है और बहुत दिन से लंबित है। इसको जितना जल्दी हो हम लोग पूरा करें, इसी से संबंधित आज का कार्यक्रम है। और हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर रंजीत जी को इस बार विधानसभा हम लोग पहुँचाएं, जैसे भी छातापुर से। यहाँ बहुत दिन हो गया है एक ही आदमी को देखते देखते और कोई विकास का काम नहीं हुआ। इनको किसी भी हालत में हम लोग छातापुर से विधानसभा भेजें, यही हमारी मंशा है। और ये विकास करें जो भी लंबित। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार झा।